हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो वेलकम करता हूँ पीआरजी गेमर की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज आपको पता ही है कि डेट क्या है। तो फ्री फायर का एलाइट पास का डिस्काउंट कोबरा जो हमारा बंडल है, जिसमें चार बंडल आपको देखने को मिलेंगे, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, आई थिंक फोर्थ पर्पल है, तो उसका इवेंट भी आ चुका है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, और फ्री फायर क्या रिटर्न करके वापस ला रहे हैं हमारे लिए। तो गाइस, वीडियो में बने रहे, तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें पीआरजी गेमर को, बेल आइकन को आल पे प्रेस कर देना, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गिवे की यानी कि जो रिजल्ट है वो भी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। तो इस वीडियो का लाइक एम 15,000 लाइक आई होप कि आप कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली अपडेट की बात करें, जो मेन अपडेट है वो है हमारा न्यू जो बंडल है कोबरा वाला, उसका एक्सचेंज टोकन। तो आप देख सकते हैं कि चाइना के सर्वर में फ्री फायर ने दे दिया है, लेकिन हमारे पास आएगा ये 27 फेब को, लेकिन होने वाला है सेम टू सेम ऐसा ही। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राइट के ऊपर आपके पास कुछ वाउचर है, सर्फ बोर्ड है, एवोल्यूशन कॉइन है, प्लस में एक बेट है, उसके बाद लास्ट में आपको मिल रहा है कोबरा बंडल एक। इस कोबरा बंडल में चार बंडल के कलर्स होंगे जो देख सकते हैं चेंज होते जा रहे हैं, प्लस में आपको इमोट मिलेंगे, चार इमोट बिल्कुल फ्री में, लेकिन इस पर थोड़े से आपके डायमंड लग सकते हैं। तो इसको निकालने का क्या तरीका है कि आपको स्पिन करने होंगे, एक स्पिन करें या फिर पाँच स्पिन करें। इस इवेंट का नाम होगा टोकन एक्सचेंज इवेंट। तो बाकी इसके अंदर आपको क्या है कि अगर आप पांच स्पिन करते हैं या फिर एक, तो अगर आपका निकल आया टोकन जिसको एग कोबरा टोकन कहा जाएगा, राइट पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हुए हैं, एक पे आपको मिल जाएगा वाउचर। जैसे ही आपके पास दो हो जाएंगे तो दो पे आपको दूसरा जो आइटम नीचे बना हुआ है सेकंड नंबर पे वो मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको थर्ड पे एवोल्यूशन कॉइन, फोर्थ पे आपको बेड, जब आपके पास पाँच हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जो बंडल। ओ भाई, लेकिन आपको इसमें कोबरा फीस्ट भी मिलेगा, लेकिन कोबरा फीस्ट आपको टोकन से नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको स्पिन करते रहना है उस पर, कभी भी आपका ये कोबरा फीस्ट है ये निकल आएगा। तो गाइस, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, मुझे अच्छी लगी, क्योंकि कोबरा जो फीस्ट है ये विदाउट टोकन मिल रहा है, तो भाई काफ़ी मज़ा आ गया। तो चलें बाकी और चीज़ें देखें। यहाँ पर एग जो है देख सकते हैं कि ये हमारा कोबरा एग, तो ये पाँच चाहिए होंगे। अगर आप पाँच कंप्लीट कर लेते हो तभी आप क्लेम कर पाओगे अपने बंडल को, जो कि कोबरा बंडल है। बाकी आउटफिट यहाँ पर लिखा होगा, अगर आप डायरेक्ट भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। नीचे बैग बना हुआ है, तो उस बैग का फंडा ये है कि कोई भी तीन चीज़ें अगर आपकी कुछ नॉर्मल सी निकलती हैं जिसमें आप बाउंड्री टोकन हो गए, उसको एक्सचेंज कर सकते हो एक न्यू स्पिन से। मतलब कि तीन बाउंड्री टोकन निकले या फिर एक बाउंड्री टोकन, एक स्किन और एक कोई पैंट निकली नॉर्मल सी, आपने आप बैग पर क्लिक करना है, उन तीन चीज़ों को सेलेक्ट करना है और रीस्पिन कर देना है। तो रीस्पिन करोगे तो दोबारा से आपको एक और स्पिन मिल जाएगा। बाकी गाइस, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन बस अगर आपको ये बंडल चाहिए तो डायमंड को रेडी रखो, 27 को ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है हमारी न्यू प्री ऑर्डर। तो आपको पता है कि जब भी लाइट पास आता है तो सबकी नज़रें टिकी होती हैं प्री ऑर्डर पर, कि इस बार का प्री ऑर्डर क्या हो सकता है। तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि अच्छा प्री ऑर्डर, जैसे कि स्टार्टिंग में था काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्री ऑर्डर आते थे, लेकिन जब से मतलब कि फ्री फायर की ग्रोथ हुई है तब से फ्री फायर ने काफ़ी जो प्री ऑर्डर है ना बेकार से कर दिए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्री ऑर्डर क्या हो सकता है इस दफ़ा का। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो यह है प्री ऑर्डर। तो ये कैप मेल और फीमेल हम दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भाई बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया प्री ऑर्डर का। कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि हम बोलें कि भाई कमाल की चीज़ है। पता नहीं फ्री फायर कर क्या रही है, ऐसे बेकार बेकार प्री ऑर्डर दे रही है। तो टॉप ऑफ रिवार्ड तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन यार ये जो चीज़ है ना, बस क्या बोलूँ, फ्री फायर को चाहिए कि थोड़ा सा यार नज़र डालनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर भी, कि प्री ऑर्डर पर हम एक्स्ट्रा डायमंड भी पे करते हैं तो हमें चीज़ भी कुछ रेयर मिले, ना कि हमें कैप दे दी जाए, ग्रेनेड की स्किन दे दी जाए। लास्ट टाइम भी ग्रेनेड की स्किन मिली, कैप मिली, तो यार इन चीज़ों को हमने क्या करना है। तो बस अभी फ्री फायर चाहिए कुछ अच्छा करे, ताकि प्री ऑर्डर हम मैक्सिमम लॉक करें अगर हम डायमंड पे करते हैं तो। चले छोड़ें दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है कुछ इस टाइप के इवेंट की। अगर दोस्तों हमारे पास ये वाला इवेंट आता है हमारे सर्वर पे, मतलब कि अगर हम ओल्ड ब्लूप्रिंट देके न्यू ब्लूप्रिंट ले सकें, तो गाइस अगर आपके पास ये टॉप क्रिमिनल वाला या फिर डाइनो वाला या फिर कोई रेयर ब्लूप्रिंट है, तो भाई इसको एक्सचेंज मत करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि फ्री फायर आपको अपने जाल में घेरे, आप क्या करो कि एक्सचेंज कर दो न्यू की लालच में, लेकिन ब्लू टोकन के लिए टॉप अप करना पड़ेगा तब ब्लू टोकन मिलेगा। उसके बाद अगर आप रेयर कोई यानी कि ब्लू प्रिंट दे दो और कुछ दिन के बाद वो इनक्यूबेटर में आ जाए, जैसे कि टॉप क्रिमिनल वाला, तो आप पे क्या गुजरेगी।
तो इस बात को माइंड में रखना, ऐसा हो सकता है क्योंकि फ्री फायर ये स्ट्रेटेजी अपनाती रहती है। क्योंकि जब स्कार आने वाली थी जो कि अपग्रेडेबल है, तो फ्री फायर ने क्या किया कि टाइटन स्कार दे दिया हमारा जो इनक्यूबेटर के अंदर, मैक्सिमम लोगों ने परचेज किया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई आपको पता ही है कि जो न्यू स्कार हमारी जो स्टोर में आ गई जिसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, तो जिन दोस्तों ने ऊपर डायमंड लगाए थे 7000 8000, तो उन्होंने बोला कि काश हम ना लगाते और हम ये जो अपग्रेड वाली स्कार है अल्फा स्कार हम उसको परचेज कर लेते। तो गाइस इस बात को माइंड में रखना। तो गाइस अब बात करते हैं हम जो इलाइट पास के डिस्काउंट की। तो आपको पता है कि 25 डेट हो चुकी है, तो इलाइट पास का डिस्काउंट आने वाला है। तो मैं पहले आपको दिखा दूँ इवेंट कौन सा हमें देखने को मिलने वाला है और कब आएगा, यानी कि टाइम और डेट। तो 25 तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो गाइस हमें कुछ इस टाइप का इवेंट देखने को मिलेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलाइट पास बना हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि कितना हमको डिस्काउंट मिलता है और इसमें और कौन कौन से आइटम हो सकते हैं और इवेंट कौन सा हो सकता है। आई होप ये कुछ अच्छा सा इवेंट हो तो मज़ा आ जाए। तो लोडिंग, तो भाई ओपन हो जा, ओपन, तो नेट स्लो। तो गाइस देख सकते हैं लकी व्हील, इसमें होता क्या है कि अगर हम स्पिन करते हैं, फ्री स्पिन होता है, तो अगर 9 डायमंड पे स्पिन रुकेगा तो आल आइटम हमें 9 डायमंड में मिलेंगे जिसमें से हम एक परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये देख सकते हैं 70 85 65 यहाँ पर आता है तो हमें उस आइटम पे उतना डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि लाइट पास देख सकते हैं 70% आया तो हमारा उतने डायमंड कम हो गए, और देख सकते हैं यहाँ पर 180 डायमंड हमें लाइट पास मिल रहा है। लेकिन जो लोग होते हैं लकी उनको मिलता है 9 डायमंड में, तो देखते हैं कि कौन है लकी। तो गाइस ये कब आएगा, तो आपको पता ही है कि फ्री फायर में जब हमारे सर्वर पे जो इवेंट आते हैं वो आते हैं फ्राइडे और मंडे को। तो कल है फ्राइडे, तो कल फ्राइडे को सुबह आएगा 8:30 बजे इवेंट जिसमें हमें देखने को मिल सकता है इलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट में। तो मिस्ट्री शॉप फिलहाल फ्री फायर ने कोई भी रिलीज़ नहीं की, ऐसी न्यूज़ अभी तक फ्री फायर ने कोई भी रिलीज़ नहीं की हमारे सर्वर के लिए मिस्ट्री शॉप की। लेकिन फ्री फायर ने इवेंट का ज़रूर कहा है कि इवेंट आ सकता है फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि यार फ्राइडे और मंडे को इवेंट आता है तो इसलिए हमें एक दिन का वेट करना होगा कल का। तो कल 8:30 बजे देखते हैं कि फ्री फायर हमें कौन सा देती है इवेंट डिस्काउंट वाला। तो बैकग्राउंड में जो नॉइस आई है अभी अभी सीटी की आवाज़, तो इसको इग्नोर करना। तो चले वेट कर लेते हैं कल का, देखते हैं कि फ्री फायर क्या करती है। आई होप कि फ्री फायर गुड न्यूज़ ही दे, कुछ और ना कर दे जैसे हमेशा की तरह हमारे साथ प्रैंक होता है। चलें देखते हैं क्या होता है कल 8:30 बजे। तो गाइस बात करते हैं लास्ट अपडेट की। तो कुछ इस टाइप का इवेंट आपको देखने को मिल सकता है जहां पर 3 बंडल आपको देखने को मिलेंगे। लेफ्ट और राइट पे है फीमेल का और सेंटर पे है मेल वाला ग्रीन वाला। तो इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ओ भाई गाइस ये जो इवेंट है ना, ये इतना महंगा इवेंट होता है ना, इस पे आपके 4000 5000 डायमंड एक सिंपल से बंडल के ऊपर लग जाते हैं। जो रेड वाला बंडल आपको याद होगा, रेड ब्लू और एक और बंडल था जो आए थे इवेंट के अंदर, उसमें कितने ज़्यादा डायमंड लग गए थे। लेकिन अगर आपको ये वाला बंडल चाहिए तो आप स्पिन कर सकेंगे, तो जैसे ये आ जाएगा। लेकिन बता दूं कि डायमंड आपको बहुत ही ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि ये इनक्यूबेटर टाइप इवेंट होता है। देख सकते हैं ऊपर लेफ्ट पे जो छोटे टोकन बने, फर्स्ट बंडल के लिए 2 टोकन ब्लू चाहिए और जो मल्टीपल कलर वाले हैं वो 4 चाहिए। सेंटर वाले के लिए रेड वाले 2 टोकन और मल्टीपल जो कलर वाले टोकन 4। इसी तरीके से गाइस बहुत ही महंगा इवेंट है, तो सस्ते वाला तो कोई नाम ही नहीं है। मैंने 200-300 डायमंड लगाए लेकिन निकला कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। और गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये मैंने गिववे के जो स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मैंने इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, तो मैं ट्राई करूँगा कि रात को इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँ। और जो भी ये विनर है तो काइंडली वो मुझे क्या करे कि ई मेल पर अपनी UID के साथ स्क्रीनशॉट भेज दे, तो मैं क्या करूँगा कि इनको मैं टॉपअप कर दूँगा कि मुझे कन्फर्म हो जाएगा इनका नेम क्या है। तो ये ज़रूर करना, ईमेल पे अपने स्क्रीनशॉट देना आईडी की, यानी कि गेम को ओपन करना, अपनी प्रोफाइल में जाना, एक स्क्रीनशॉट मुझे दे देना UID की, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट आपकी आईडी पे 500 का टॉपअप कर दूंगा। तो गाइस भाई ये वीडियो थी आज की, तो कल का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, PRG Army भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे स्टोरी टाइप गेम प्ले आने वाली है बहुत जल्द। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय फ्रेंड।